नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भैजी टेक्निकल। दोस्तों फर्ज कीजिए कि आप कहीं पे खड़े हो, टैक्सी का इंतज़ार कर रहे हो या टैक्सी आपको बुकिंग करनी हो और आपके पास इंटरनेट ना हो। जी हाँ, आपके पास इंटरनेट ना हो और आपको टैक्सी बुक करनी है, जैसे कि ओला हो गया, तो आप कैसे बुक करेंगे? क्योंकि आपको बहुत ही तकलीफ़ हो जाएगी, क्योंकि ये एप्लीकेशन ऑन बेस चलते हैं, नॉर्मल टैक्सी तो आपको मिलनी है नहीं। तो उसी को निजात दिलाने के लिए ओला, जो कि यहाँ बहुत ही फेमस कंपनी है टैक्सी बुकिंग के लिए, ओला ने एक ऐसे फीचर्स के साथ लॉन्च किया है जिसके थ्रू आप SMS द्वारा बुक कर सकते हैं उनकी टैक्सियाँ। तो कैसे बुकिंग करते हैं, क्या है पूरा प्रोडक्ट, कैसे चीज़ होगी, आइए उसके बारे में जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, ओला ने भारतीय बाज़ारों में रिसेंटली ही एक ऐसे फीचर के साथ लॉन्च किया है, अगर आपके पास इंटरनेट ना हो तो आप उसको SMS द्वारा भी टैक्सी आप बुक कर सकते हैं। तो कैसे है चीज़ प्रोडक्ट, आइए जानते हैं। दोस्तों ये एक आईफोन पे एक सैंपल दिखाया, ओला के ब्लॉग पे से मुझे मिली है, आप चेक कर सकते हो वहाँ पे डिटेल में। तो उसी चीज़ को मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ, आपको और भी डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको आपका आपके मोबाइल पे ओला ऐप होना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए अगर ये फ़ीचर्स नहीं हो आपके पास तो आप तुरंत अपडेट कर लीजिए, फ़ीचर्स आ जाएंगे। अगर ना आए हो तो एक आध हफ्ते में भारतीय बाज़ारों में आने वाले हैं। तो ये कैसा काम करता है, चलिए इसके बारे में आपको डिटेल्स बताता हूँ। ये ओला ऐप आपने ओपन कर लिया, फर्ज कीजिए आपके पास नेट ना हो, तो इस तरह आपको ओला ऐप ओपन करने के बाद दिखाएगा, जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, यू सीम्स टू बी ऑफलाइन, चेक योर इंटरनेट सेटिंग। ठीक है, रिटायर करिए, आपके पास इंटरनेट नहीं है तो उसी के लिए ये लाया गया। तो देख सकते हैं आप नीचे स्क्रीन पे जो है एक छोटा सा ग्रीन कलर का जो है एक आइकन है, आपको जूम करके दिखा दूँ, ये देख सकते हैं, हैविंग ट्रबल कनेक्शन, ट्राई बुकिंग विथ SMS बुक। यहाँ पे आपको बुक पे क्लिक करना है। ठीक है, आपके पास इंटरनेट नहीं होगा तभी ये काम करेगा, आपको ओला का जो ऐप है उसको ओपन करने के बाद ही ये चीज़ आने वाली है, नॉर्मल SMS से नहीं होने वाला है। ठीक है, आपने ओपन किया, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, फिर भी आप ओपन करिए, आपको इस तरह का मैसेज आएगा, आपको बुक पे क्लिक करना है। बुक क्लिक करने के बाद में आपको कुछ इस तरह का एक स्क्रीन आएगा। जी हाँ, एक नया स्क्रीन आने वाला है, यहाँ पे आपको बोलेगा नो इंटरनेट कनेक्शन, बुक यूजिंग SMS। ठीक है, SMS बुक करने के लिए इन्होंने स्टेप बाय स्टेप बताया, आपको मैं बता दूँ, इसको भी जूम कर देता हूँ, बहुत बारीक अक्षरों में उन्होंने दिया है, टैप द बटन बिलो एंड सेंड योर करंट लोकेशन बाय SMS। ये जो नीचे आप बटन देख रहे हैं सेंड माई लोकेशन, इसको क्लिक करना है तो कि आपका जो लोकेशन है वो ओला ट्रेस करेगी और आपके लिए टैक्सी भेजेगी। कैसे होता है देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। और आपको गेट डिटेल्स ऑफ नियर बाय कैब्स, आपको नज़दीक आपके जो भी कैब रहेगी आपके लोकेशन के हिसाब से उसका SMS आ जाएगा, आपको सिलेक्ट करनी है उसमें से कोई भी, जो भी टैक्सी आपको लग रही है आपको राइड करनी चाहिए वो SMS करेंगे आप कंपनी को, और कंपनी आपको तुरंत वो बता देगी कि गाड़ी आपके पास आ रही है, वो अगले कुछ स्टेपों में हम देखेंगे। ठीक है, आपको बुक करनी है बुक करिए, अदरवाइज नो थैंक्स आई विल ट्राई लेटर, ये कैंसिल कर दीजिए आप ये क्लिक करके, अदरवाइज आपको बुक करनी है सेंड माई लोकेशन क्लिक करिए। सेंड माई लोकेशन क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी, आपको दिखा दूँ कि ये देखिए आपका जो लोकेशन आप सेंड करते हैं तो यहाँ पे एक SMS आया है, SMS आपके थ्रू सेंड किया गया है, आई नीड ए कैब एट, ये आपका लोकेशन है जो उनके जियोग्राफिकल टर्मिनोलॉजी में है, लॉन्गिट्यूड एंड लेटीट्यूड वगैरह, प्लीज़ डू नॉट एडिट, यू बोल भी रहा है कि इसको एडिट मत करी, तो ये आपका लोकेशन ओला को चला गया है। ठीक है, ओला उसके बाद में आपको SMS भेजती है, हाय वो बंदे का नाम है जिसने SMS भेजा, क्योंकि ओला पे आपने रजिस्टर्ड किया तो आपके सारे नेम्स एंड डिटेल्स रहेंगे, तो इसलिए वो बंदे का नाम आया। एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिया है रुतुजा जो भी है, हियर आर योर कैब्स नियर, आपका जो भी एड्रेस है वहाँ पे आ जाएगा, ये बेंगलुरु का इन्होंने सैम्पल दिखाया, और आपको ये कार की डिटेल्स आई, देखिए माइक्रो 1 मिनट दूर है आपसे, मिनी 2 मिनट दूर है, प्राइम सेडान जो है 2 मिनट दूर है आपसे, ये 3 ऑप्शन दे दिए है, और आपको कह रहा है कि रिप्लाई विथ कैब टाइप। ठीक है, आपको ये 3 जो कैब है ये टाइप को कोई भी आपको सिलेक्ट करनी है तो वो सिलेक्ट करिए, और ये OTP एक साथ में आती है जैसे यहाँ पे 5048, तो उसको यहाँ पे क्लिक कर लिख के सेंड करनी, जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दिखाया, जैसे आपको इन्होंने लिया कि माइक्रो, चलो माइक्रो कैब लेते, तो ये पहली वाली जो माइक्रो है वो लिया है, माइक्रो आपको कार टाइप लिखना है, और ये जो 5084 की OTP, आपको OTP वेरीज होती है, इसको याद रखिए, आपके मोबाइल पर जो OTP आएगी इस तरह SMS में वही टाइप करनी है, और कार टाइप सिलेक्ट करके जैसे इन्होंने लिखा माइक्रो 5084, तो आपको यहाँ पे नीचे आपके इनबॉक्स में यहाँ पे टाइप करनी है माइक्रो 5084 और सेंड कर देनी है। तो सेंड करने के बाद अगली स्क्रीन हम देखते हैं क्या होगी।
आपने सेंड कर दिया, देखिए यहाँ पे इस बंदे ने सेंड कर दिया, देखिए माइक्रो 5084 ने सेंड कर दिया है। उसके बाद में ओला से आपको तुरंत कंफर्मेशन आता है, योर बुकिंग इज कंफर्म, यू विल गेट एन SMS विद एन राइट डिटेल्स, इफ़ यू वॉन्ट टू कैंसिल द राइट रिप्लाई टू द कन्वर्सेशन विद कैंसिल। आपको बुक हो गया है, अगर आपको बुकिंग नहीं करनी है, आपको लगता है कि नहीं मैंने इससे गलती से हो गया या मुझे दूसरी राइट सिलेक्ट करनी है, तो आप इसको कैंसिल करिए, यहाँ पे लिख दीजिए कैंसिल करने के लिए आपको इनबॉक्स, यही कन्वर्सेशन में आपको कहीं जाना नहीं, यही कन्वर्सेशन पे नीचे आपको लिखना है, जैसे चैटिंग में लिखते हैं कन्वर्सेशन में CNCEL कैंसिल लिखना है कैपिटल में, और यहाँ पे सेंड कर देना, ऑटोमेटिकली आपकी राइट कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। और फिर से आप सेम प्रोसेस कर सकते हैं स्टार्ट टू एंड बुकिंग करने के लिए। अगर आप कन्फर्म हो गए हैं, ठीक है, तो आपको एक अलग से मैसेज आएगा जो कि एक इस तरह रहेगा, इसको भी मैं आपको दिखा दूँ जूम करके। ये ड्राइवर के डिटेल्स आते हैं आपको, प्रसाद, ये फ़ोन नंबर इनका दिया, जो भी ड्राइवर है, इज़ ऑन द वे टू योर लोकेशन, आपके लोकेशन पे बंदा आने वाला है जो कि सिल्वर नैनो कार के साथ में आएगा, और कार का नंबर इन्होंने दे दिया है, ठीक है। यहाँ पे तो वंस यू बोर्ड द कैब प्लीज शेयर सो एंड सो नंबर विद ड्राइवर टू स्टार्ट ट्रिप, जो बंदा आएगा आपको ये नंबर दिखाना है, शेयर करना है, और आप ट्रिप शेयर कर सकते, ट्रिप यूज़ कर सकते हैं, और उसको आप ऑनलाइन पैसा, अगर आपका नेट आ गया तो ऑनलाइन पे कर सकते हैं ऑप्शन के थ्रू, अदरवाइज़ इसको कैश भी पे कर सकते हैं। तो दोस्तों यही है आज के इसमें, कंपनी ने बहुत ही अच्छा सर्विस चालू किया, मुझे तो काफ़ी पसंद आई है, आप भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए ₹3 प्रति SMS चार्जेस हैं, तो कहीं 5-6 कन्वर्सेशन में महंगा ना पड़ जाए, इसको याद रखिएगा। हालांकि इमरजेंसी में सब कुछ चलता है, तो देखते रहिए भाई जी टेक्निकल। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।